रहीम सलाम अलैक्म्सलाम चैनल स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुल जरार खलिश कैसे रुखसत करूं दिसंबर को कैसे रुखसत करूं दिसंबर को वापस आने में साल लगता है दोस्तों दिसंबर का ये महीना गुज़रता जा रहा है और इसके साथ साथ ये साल साल 2021 भी बिल्कुल अपने अख्तितमी लम्हत पर है लगभग दो या तीन दिन के बाद इनशाला नया साल शुरू हो जाएगा हर गुज़रते साल के साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है बहुत से अवामिल से गुज़रता है बहुत से ख़ुशियाँ बहुत से दुख बहुत से ऐसे मरल आते हैं ज़िंदगी में जब इंसान कभी कभी टूट जाता है और कभी कभी टूटने से बच जाता है और बन जाता है तो बहुत सी ऐसे अवामिल की वजह से कौमें उरूज व जवाल के मनाजिल तय करती हैं और अवाम आलम की बदलती रुझानात और बदलती सूरत हाल जो है वो इन सालों पर मुहित होती है इन दिनों पर मुहित होती है लेकिन अगर कोशिश की जाए और ये मवाजना कर लिया जाए कि इस साल क्या हमने खोया और क्या पाया तो शायद बेहतरी की कोई उम्मीद निकल आए और हर साल इस एहतसाब की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है इस पर भी बात होनी चाहिए और अगर लोग अपना एहतसाब कर लें तो इसके क्या फ़वाद होते हैं हम देखते हैं कि हर साल जब एक साल गुजर जाता है तो बड़ी दावे लोग करते हैं कि भाई अगले साल का ये रेजोल्यूशन होगा अगले साल हम ये करेंगे अगले साल ये करेंगे लेकिन क्या वो अगले साल वो सब कुछ हो पाता है और जैसा कि होता है ना कि इंसान तो इरादे बांधता अली का कौल है ना कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना तो एक बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने काम तो करें अपनी इरादे तो बाँधें लेकिन अल्लाह पर छोड़ना पड़ता है फिर देखना होता है कि हालात क्या होते हैं वक्त क्या होता है कुदरत किस तरफ लेके जाती है हमने भी सोचा कि 2021 का जो साल गुजरा है जो कि बहरहल 2020 जितना शायद सख्त तो नहीं था लेकिन इब्तदाई जो महीने थे खासकर जनवरी फबरवरी मार्च अप्रैल तक के जो महीने बरतानिया में जो हमने गुजारे वो बहुत मुश्किल थे कोविड की परेशानी थी कोविड के मसाइल थे मुलाकातों की बंदिश थी तकरीबा की बंदिश थी आना जाना बिल्कुल नहीं था इस बीच बहुत से त्यौहार गुजरे रमज़ान गुजरा ईद गुजरा बकर गुजरी लेकिन लोग आपस में नहीं मिल सके बहुत से ऐसी मौाक़े आए जब चाहता था इंसान के उसके घर जाए दोस्त दोस्त के घर जाए अपने रिश्तेदारों के घर जाए लेकिन नहीं जा सके दुनिया भर में ये सूरत हाल रही उसके बाद जब ये खुला उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी तकरीबत हुई बहुत लोगों ने सफ़र किया आना जाना मुलाकातें हुई बहुत एक एक जो तजुर्बा हुआ था कि आपस में जब मुलाकातें नहीं होती जब लोग नहीं मिलते तो क्या होता है तो ये भी एक तजुर्बा रहा हमने देखा कि मुल्की हालात बदले अदबी हालात बदले सियासी हालात बदले मज़बी हवालों से बहुत सी तब्दीलियाँ आई इसके अलावा मौसमी हालात जो बदल रहे थे उसने कितनी दुनिया को तब्दील किया तो ये एक अमल जारी है ये हर साल होता है हर साल कुछ ना कुछ नया होता है हर साल कुछ जो होते हैं कुछ लोग चले जाते हैं साथ छोड़ के कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं बहुत से लोगों के लिए बहुत से अच्छे चीज़ें साल भी हुई होंगी आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं आप भी हमें कॉल कर सकते हैं फ़ोन भी कर सकते हैं बात भी कर सकते हैं हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ा लम्हा हो जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराया था और हम क्रिकेट का मैच जीते थे हो सकता है आपके लिए कोई और लम्हा हो आपने इस साल रिश्ता इस में आप जुड़ गए हों हो सकता है इस साल आपकी कोई किताब आ गई हो हो सकता है इस साल आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हों हो सकता है आइंदा सालों के लिए आपने भी बहुत सी उम्मीदें हम सब की तरह बांधी हूँ तो इस पर भी बात होगी हमारे आज बहुत ही मुजस मेहमान जो मौजूद है हमारे साथ आज के प्रोग्राम में उनका भी तारुफ़ कराएंगे हमारे साथ इन अभी इस वक्त जो मौजूद है वो कैसी शख्सियत है जो बिलाशुबा पिछले चंद सालों में अदबी मंज़रनामे पे जिस तरह वो छाए हैं जिस तरह वो आगे आए हैं मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे कई सालों तक वो इन कई दहाइयों तक कई मैं तो सदियों का कहना चाहूँगा कि वो इसी तरह जगमगाते रहें फ़ख पर अपने अंदाज़ से अपने अशार से अपनी गुफ्तू से अपने जो तखातब है जो जिस तरह वह लोगों से मुखातब होते हैं उससे जो है ये दिलों को लुभाते रहे मेरे जो आज के पहले मेहमान हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे शायर हैं आप सबके जाने माने जनाब जनाबे मारबाल साहब असलकुम अमार भाई कैसे, कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं खैरियत से जबरदस्त दुआ आपकी अमार भाई दो भाई 2020 की तरह 2021 भी कोविड के खदशात और जो बीमारियां थी जो परेशानियां थी वो साथ लेकर ही आया था और वहीं से शुरू हुआ था और वही मसाइल हमने देखे थे तो आप के लिए बुनियादी तौर पे दो चीज़ें पूछना चाहेंगे पहले तो कि ऐसा क्या आपने भी महसूस किया तौर पे पूरे साल में जो लगा कि यार ये बहुत बुरा हुआ ये नहीं होना चाहिए था इतना थोड़ा बेहतर हो सकता था जी अमार भाई मेरा अमार भाई जे ख़्या दिस्कन, डिस्कनेक्ट हो गया है लेकिन हम ये सब सवाल देखें रेस क्यों करते हैं हमारा मसला क्या है हम ये चाहते हैं बात हो डायलॉग हो आपस में मकालमा जब होता है जब गुफ्तु होती है तो बहुत सी परतें खुलती हैं ज़िंदगी के बहुत से जो मैारत हैं वो बदलते हैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ऐसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई तो मैं यकीन मानिए कि वो जो लम्हा था जिस वक्त पाकिस्तान जीता था हिंदुस्तान से उसके बाद भले वो वर्ल्ड कप हार गए या जो भी कुछ हुआ जो वो सिचुएशन थी वो लम्हा इतना ख़ूबसूरत था इतना शानदार था कि शायद मैं उसको कभी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता क्योंकि उसके बाद हम जिस तरह निकले थे सड़कों पर जिस तरह हमने जश्न मनाया था उसका अलग ही मज़ा था हमारे से दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैं मज़हब के हवाले से बहुत बड़ा इनका काम है बहुत ज़्यादा इन्होंने तहकीक के मैदान में जो है कह नुमाएँ अंजाम दिए हैं हमारे साथ ये पी एच डी के तालबिल भी हैं मेरे बहुत ही अच्छे मुखलिस बहुत अच्छे दोस्त बड़े रहबर और रहनुमा जनाब मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब असलकम वो सब कैसे हैं आप ठीक ठाक है, हैं खैरियत से आपको मेरी आवाज आ रही है और मुझे आपकी भी आवाज़ आ रही है तस्वीर आ रही है हमारे साथ अमार साहब भी मौजूद थे अमार भाई से भी बातचीत हो रही थी भाई मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था कि आप क्या समझते हैं तो आप क्या जवाब देंगे इसका जी जी बल्कि आप ये बल्कि समझें सुहेल भाई के ये पिछले दो साल तकरीबन एक ही साल की तरह गुजरे और वो हमारे दोस्त का बड़ा अच्छा है ऐसा खानदान है उर्दू गजल का और हम एक एक सारे बड़े जा रहे हैं आए हाय हाय तो मेरे ख्याल से क्या है वो सबसे ज्यादा ये खोया है कि कई एक बुजुर्ग हमसे पिछले सालों में पिछड़ गए इसके अलावा अगर आप तब्दीली की बात करें इस तरह इवन इस वक्त भी हम ऑनलाइन एक दूसरे के सामने जुड़े हुए हैं तो बड़ा चेंज आया है और मेरे ख्याल से इसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि तमाम सिचुएशन में ना अगर हम चीजों को पॉजिटिव देखने लगे हुँ. तो ये शायद होता ही वो जो पांच साल में होना था वो हुँ. शायद हमारे पास दो साल में हो गया है बाहर हाँ. हाल तमाम चीजें इसी नहज पे आती है टेक्नोलॉजी की वजह से बाहर चीजें इसी नहज पे आती है हर एक चीज की वजह से बस वो शायद हमारे पास तब्दीली बहुत जल्दी आ गई उसका रेट बस बहुत तेज़ हो गया <laughs> बहुत अच्छी बात कही आपने अमर भाई ये असल में सिचुएशन ऐसे ही है कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह आ, क्या तब्दीली आई और खुशायन तब्दीलियाँ हमेशा पॉजिटिव तब्दीलियाँ मसबत तब्दीलियाँ जो होती हैं वो इंसानी माशरों में अच्छाई और भलाई का सबब पैदा होती हैं हमारे साथ असल में होता ही है कि हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम आ, किस चीज़ को कौन मसबत लेता है और कौन मनफी लेता है लेकिन उमूा जो सिचुएशंस हैं उसको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ जापान वाला साहब भी मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब मौजूद हैं और इनसे भी हम इनको इनकी राय लेंगे मुफ्ती साहब पहले तो बताइए आप खैर खैरीत से हैं, ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का करम है बहुत उसका एहसान है, है। बताएं आप बताएँ आप क्या सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब सब ठीक ठाक साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे क्या खोया क्या पाया के उनवान से 2021 एक बहुत ज़बरदस्त साल गुजरा 2020 से जो आफात शुरू हुई थी कोविड के जो मसाइल थे उसके बाद जो दुनिया तब्दील हुई क्या कहेंगे आपने कैसे देखा इसको जी मैंने तो देखा कि इस हवाले से बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां लोगों के अंदर आई हैं अच्छा लोगों को अकेला जीना आया लोगों को घरों के अंदर रहकर किस तरह रवादारी और मोहब्बत और मनसारी के साथ रहना चाहिए मिलजुल कर रहना चाहिए इसका लोगों को इम्तिहान लोग इस इम्तिहान से गुजरे जिससे लोगों को खुद उनकी सेल्फ असेसमेंट हुई कि उनके अखलाक जो है वो घर वालों के साथ किस तरह हैं, फिर माशी तौर पे बहुत से लोगों ने जो है वो ऑनलाइन काम शुरू किया अभी मैं एक चीज मैं पढ़ा था कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नौ हजार जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ गई ऑनलाइन काम उन्होंने शुरू किया वेरी गुड और जो एक जो एक इंटरनेट की सहूलत थी जो लोगों को सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते थे या फेसबुक में सोशलाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते थे इसका एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो लोगों ने सीखा और जो लोग जो है वो इसको बेकार चीज समझते थे इस खुदा की नेमत को उन्होंने इसको जो है ना वो बहुत ही कीमती चीज समझना शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीलियां आई हैं लोगों को डिस्टेंस से रहकर हाइजीन रहकर किस तरह बार बार हाथ धोने चाहिए हेल्थ की बहुत अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ी है मैं समझता हूँ तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुस्बत रहा पिछले अच्छा। साल के मुकाबले में जो जब कोविड शुरू हुआ था और 2021 है ये 2021 और ज्यादा मुस्बत तब्दीलियां लाया है और मैं समझता हूँ कि 2022 जो है मजीद निखार इसके अंदर पैदा करेगा ठीक अच्छा मुफ्ती साहब आपने एक बहुत अच्छी बात कही आपने मजबत रवैयों की बात की कि किस चीज़ से मजबत रवैया अखज तो किसी भी चीज़ से किया जा सकता है बहरह एक इतनी बड़ी परेशानी आई इतनी बड़ी मुसीबत आई लेकिन आपने उसमें से एक मजबत रवैया ये निकाला कि नौ हज़ार ख़ातन को एम्पावरमेंट मिली नौ हज़ार ख़ातन जो हैं आगे बढ़ी या बहुत से हज़रा भी आगे बढ़े तो ये जो मजबत रवैया है क्या मस्बती रहा क्योंकि इसके मनफी इस्तेमाल भी तो बहुत हुए देखें जब चीज़ नई नई आती है तो उसके इस्तेमाल लोगों को सीखने पड़ते हैं ना तो जब वो एक पुरानी हो जाती है तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाती है इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है तो जब ऑर्गेनाइज होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मनफी चीजें जो है ना वो आ, कम होने लगती है और फिर बैलेंस की तरफ जो है वो इंसान जाता है और ये जो मैंने 9000 की बात की ये एक महदूद डेटा है क्योंकि जाहिर बात है 22 करोड़ का डेटा कलेक्ट करना कोई आसान नहीं है तो 220 मिलियन लोगों का डेटा जमा करना कोई आसान चीज नहीं है तो और लोगों ने एक जो बहुत बड़ी चीज मेरे हिसाब से सीखी ना वो ये चीज कि थोड़े पैसे में कनात के साथ जो है वो किस तरीके से जिया जा सकता है वो दो हजार बीस से पहले जो एक दौड़ लगी हुई थी कि लोग सुबह निकलते थे और शाम को आते थे और सिर्फ यही जिंदगी का मकसद था कि जी कमाना है कमाना है कमाना है और उसमें बहुत सारे उनके रिश्ते इग्नोर हो रहे थे उनकी जो है अपनी फैमिली लाइफ इग्नोर हो रही थी उनकी अपनी हेल्थ इग्नोर हो रही थी उनकी जो है वो जो उनकी एक सेल्फनेस है वो इग्नोर हो रही थी तो ये सारी चीजें उस चीजों की अवेयरनेस मिली है थोड़ा सा ब्रेक मिली बहुत अच्छी बहुत अच्छी तरफ आपने रोशनी डाली मुफ्त साहब मैं अमार इकबाल साहब से भी थोड़ा सा इस पर उनकी बात करूंगा अमार भाई मसबत रवैयों की बात हो रही है हम देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियां मसायल मसाहब रहे लेकिन मस्बत रवैये भी नजर आए हम देखते हैं अदबी अगर हवालों से बात करें क्योंकि आप शायर भी हैं अदीब भी हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस का इनका हुआ बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी सामने आई बहुत लोगों तक अदब के हवाले से मजबत रवैये पहुँचे तो आप अदबी कैसे देखते हैं पिछला साल एक जो बिल्कुल सामने की बात हमने महसूस की तो वो ये महसूस की कि आम लोगों तक बड़ी आसानी से पहले से बेहतर तरीके से जो है वो शायर पहुंच पाए और ये पार्टिसिपेशन आम लोगों की की जो एक गैप हम महसूस कर रहे थे पिछले कोई बीस साल से वो बड़ी तेजी से कम हुआ तो उसने बिल्कुल एक अदबी मंजरनामा समझें दो साल में तो बदल के रख दिया ऐसे लोग हमारे सामने आए जिनके बारे में हमने पहले सुना नहीं था और फिर ऑनलाइन मुशाह तक हुई उसने बहुत कुछ चेंज किया बिल्कुल यानी के हर एक ने फिर क्या कहते हैं शेर सुने शेर पे बात की शेर पे राय दी एक ये तो बड़ा आ, मामला रहा चीज़ देखने को मिली और बहरहाल जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि शायद ये होता ही इसको पांच साल लग इसको सात साल लगते लेकिन ये ड्यू टू कोविड या इन तमाम आलमी हालात के पेश नजर ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया बात बहरहाल इसी मैच पे आने की बस ये कि उसकी वजह से ये सब कुछ बहुत सवाल अच्छा, है एक सवाल इसमें उठता है बहुत से लोग जो वीडियो की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ थे जो नई मीडिया के हवाले से चीज़ें थीं उन्होंने मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ एक सवाल पूछना मेरा हाथ है उन्होंने जो है अपने आप को प्रेजेंट बड़े अच्छे तरीके से करने के तरीक़े से ढूंढे और एक स, लोगों ने यह सवाल रेज किया है तो उसके बाद उनको लगा कि शायद वो बड़े अच्छे शायर थे प्रेजेंटेशन की बेस पर शायरी हुई बहुत अच्छी तरीक़े से दुनिया जहाँ तक पहुँचने का काम हुआ या वाकई शायरी भी कुछ अच्छी सामने आई है हाँ बिल्कुल देखें इस बात में ना दोनों पहलू हैं एक ये भी है कि जिसने टेक्नोलॉजी को जिसने सोशल नेटवर्किंग को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाहिर है कि वो मंजर पे रहा उसके बाद मजीद अगर हम गौर से देखें तो हम ये देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन तक रसाई मुमकिन ही नहीं थी इवन क्लासिक्स में से भी हमने बहुत सारे पुरानी चीजों को क्लासिक्स बहरहाल क्लासिक्स रहेंगे वो हर दौर में रिवाइव होते रहेंगे अब मिसाल के तौर पर मैं दाख को अगर है। मीर का कलाम पूरा, उसकी है। और उसको अगर वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जाने तो उनके लिए मतलब में बहुत मतलब में बहुत स्टडी में बहुत आसानियाँ पैदा हो गई बहुत अच्छी बात की आपने मुफ्ती साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं आपसे क्योंकि ज़ाहिर हमने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ देखते हैं आपको फॉलो करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से आपने जो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क को यूज़ करके जिस तरह एक जो जिसको कहते हैं हम आहंगी बढ़ाई मजाहब के दरमियान आपने जाहिर इंटरफेथ पर भी आप काम करते हैं और आपने उसको भी लेके कर चले तो ये फिर भी हम देखते हैं कि मज़बी इंतशार इन हवालों से इसी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नज़र भी आता है एक दूसरे को लान तान हो रही है एक दूसरे के हवाले से चीजें आ रही हैं लेकिन मजबत पहलू यह है कि जो अच्छाई तलाश करना चाहता है उसे मिल भी जाती है क्या कहेंगे आप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आ, असल में जो इंसान के अंदर होता है वही जो है वो जाहिर करता है सोशल मीडिया के अंदर अब पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है मुझ जैसे चंद लोग हैं जो इंटरफेथ हारमोनी पे जो है वो काम कर रहे हैं और उन वो भी जो है ना वो सेल्फ एनर्जी के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो है ना हमारे अपने साथी हैं ना हमारे अपने उलमा हैं ना हमारे इस हैं कि जो हमें इस पर अप्रिशिएट करते हो बल्कि जब कभी इन लोगों से इंटरेक्शन होता है तो वो हमेशा जो है वो थोड़ा सा हमें डिमोटिवेट और क्रिटिसाइज जो है वो करते हैं कि जी आपने ये किया आपने ये किया और आपने ये किया तो मैं उनको भी साथ साथ कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा ये बताऊं कि वो अपने खोल से बाहर आए और देखें कि बाहर की दुनिया जो है उसमें क्या हो रहा है और आपको बाहर आने की वजह से अपनी दावत पहुंचाने के बहुत सारे मौक़े मिलेंगे और आप जो एक घुटन का शिकार हो गए अपने माहौल के अंदर रहते हुए आप उससे भी एक खुली फिजा के अंदर आके सांस लेंगे और आपकी दूसरे मजाब के हवाले से लर्निंग भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो होगी सही तो बहरल हमने ये कोशिश जारी रखी और उसमें चूंकि लोगों के पास टाइम था लोगों ने सुना हमें और लोगों ने सवाल किए हमने हमसे और बहुत सारे सवाल उनके जहन में पैदा हुए क्योंकि वो ये समझते थे कि जी अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसके उसको सलाम नहीं करना और अगर वो सलाम करे तो उसको जवाब नहीं देना जो उसको सिर्फ वालेकुम कह देना है इस तरह के सवालत आए उस पर हमने वीडियो बनाई और हमारी भी लर्निंग हुई कि हमें नहीं मालूम था कि सोसाइटी में इस तरह कभी बिहेवियर है माइनॉरिटीज के साथ या नॉन मुस्लिम के साथ और मुसलमान जो है वो एक हम कहते हैं कि हम बहुत बाखलाक हैं मगर हमारा जो टूवर्ड् रवैया है नॉन मुस्लिम के साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो नेगेटिव है जो हमको हमसे करीब करने के बजाय दिन ब दिन दूर कर रहा होता है और इस्लाम से भी दूर कर रहा होता है ज़ाहिर बात है इस्लाम तो हम ही पेश कर रहे होते हैं ना उनके पास कोई कोई पैगम्बर या कोई और सोर्स तो नहीं होती या बुक है या उलमा है, उसके नुमाइंदे हैं बुक हर कोई पढ़ता नहीं है तो रवैया ही देखा जाता है कि जो लोग पीस की बात करते हैं उनकी अपनी ज़ात के अंदर कितना पीस है जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं वो खुद इंसरादी सतह पर लोगों के साथ किस तरह मोहब्बत से पेश आते हैं या नहीं आते तो हमारी भी इन साइड लर्निंग बहुत हुई और हमें आ, उनके साथ सिंपथी पैदा हुई कि यार हम तो अगर मेजोरिटी में हैं और ये एक मुसलमान मुल्क है तो यहाँ तो हर साल सैकड़ों और हजारों लोग हमारे अखलाक से मुतासर होकर बिल्कुल बहुत हमारी बदलों में आकर हमारी इबादत से मुतासर होकर इस्लाम में दाखिल होने चाहिए थे मगर क्या वजह है कभी हम नहीं सुनते कभी हम सुनते भी हैं तो वो फोर्स कन्वर्जन की बात हम सुनते हैं कहीं हम सुनते तो है जबरी मजहब तब्दीली की बात सुनते हैं कभी हम सुनते हैं तो इसके पीछे जो है मालूम होता है कि एक निकाह का जो पहलू था वो कार फरमा होता है तो हमें इस पर भी अफसोस हुआ कि हम जो है जो खड़े हुए थे और ये हमारे मधु थे हमने इनको जो है मधु की जगह से हटा के अदू की पे के की जगह जगह पे पे जाके खड़ा कर दिया तो हमें अपने खुद रवैयों के ऊपर भी जरा नजर सानी का जो है वो मौका मिला बहुत अपने अच्छी अच्छी रोशनी डाली मुफ्ती साहब असल में गुफ्तु हम इसको जारी रखेंगे हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन दोस्तों होता क्या है कि असल में अपने आप को इस चीज़ के लिए पेश करना और उस साल क्या रहा इस 2021 में ये बहुत ज़रूरी है कि हमने ये देखा कि बहुत मजबत तब्दीलियाँ आई बहुत अच्छे काम हों जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने तस्करा किया कि जो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की वजह से जो है हम लोग काफ़ी आगे बढ़े और हमने कोशिश की कि हम दावत का जो हमारा काम है उसको लेके चले जिस तरह के हमारे मारबाल ने तस्करा किया कि अदब के हवाले से जो काम हुए नए नए लोग आए नई शायरी आई नई नई किताबें आए नए नए मीडियम्स आए यानी कि हम ख़ुद दुनिया के ऐसे ऐसे जगहों में ऐसे ऐसे मुल्कों में और ऐसे ऐसे शहरों में पहुंच गए जहां हम रात को 12 बजे होता था और वहां सुबह के 8 10 बज रहे होते थे और हम किसी मुशाहरे में होते थे कभी कहीं होते थे कहीं कहीं तकरीबा तक्रिण में हिस्सा लिया बहुत से लोगों से ताल्लुक़ जुड़ा बहुत से लोगों से बात हुई तो ये गुफ्तु हमारी जारी है हम दो के हवाले से क्या खोया क्या पाया पे बात कर रहे हैं और हम इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे हमारे साथ अमार इकबाल साहब भी मौजूद हैं मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब भी मौजूद हैं और इन शाला ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट भी मौजूद होंगे लेकिन हम जिस तरह की गुफ्तू का जारी कर रही हुई हमने शुरू की हुई है हम इस पर ही बात करते हैं मैं अमार भाई आपसे पूछूँगा हम हमेशा एक बात करते हैं कि शायरी में नई जहतें और नए अंदाज मुतारफ़ हो रहे हैं नए नए लोग आ रहे हैं नई नई बातें कही जा रही हैं और जाहिर है पुराने हवालों से उस पर तनकीद का सिलसिला अभी जारी रहता है इस साल आपने दो हज़ार इक्कीस में ऐसी क्या नई चीज़ देखी बार एक कही जा सकती है कि नसरी नज्म आई कोई नज्म आई कोई किताब आई आपने क्या ऐसा नोट किया कि नई बात क्या नजर आई आपको एक देखिए हाँ ख़ास तौर पे आपने बात की नसरी नज्म के हवाले से तो नसरी नजम की जो एक बहस चल रही थी काफ़ी अर्से से मेरे ख्याल से पिछले दो दिहाइयों से ये बहस चल रही थी उसको अब हमने देखा अमूमन अब आप देखें पिछले दो तीन साल में जो नसरी नजमें लिखी गई है वो फिर उनकी एक शक्ल निकलती हुई नजर आ रही है और वो शक्ल ऐसे निकलती नजर आ रही है कि जैसे पहले आजाद नजम को हमने उस गजल की जमीन से रदीफो खवाफी से आजाद किया था मीटर के साथ वो चल रही थी अब हमें दिख रहा है कि नसरी नज्म में सिर्फ मीटर नहीं है और एक नजमियत कायम की जा रही है उसके अवाफी के हवाले से बाकी ये है कि शायरी में तो मौजूद की हद तक नई चीजें आ रही हैं अच्छा जबान के हवाले से हम कह नहीं सकते कि क्या तब्दीली है क्या क्या नहीं क्योंकि ये बहुत आ, सामने तो की बात है।, है बिल्कुल हर तीन जबानलरेडी चेंज जबान ने तब्दील हो ही जाना है हाँ। मिसाल के तौर पर पोते और दादा की जो कन्वर्जेशन है ना हाँ। उसमें ट्वेंटी परसेंट बात ना पोते को समझ आती है ना दादा को समझ आती है इतना गैप उनकी लाइन जाता हर तीन जनरेशन के बाद ये चेंज आता है तो जाहिर है कि वही चेंज शायरी में भी आएगा वही चेंज जो है वो दूसरी तो चीजों तो 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 में भी आएगा हाँ अच्छा, तो अच्छा, तो एक चीज तो थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कॉन्फ्रेंसेस का इनका हो तो रहा तो है तो बहुत तो बड़ी कॉन्फ्रेंस कराची में हुई लाहौर में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ ये ये कोई असर डाल रहे हैं या सॉरी टू से ये सिर्फ पब्लिक रिलेशनिंग हो रही है पीआर बन रही है इससे नहीं बहरहाल इससे कुछ ना कुछ तो ये है कि बेहतरी की तो सूरत हाल है बाकी तमाम जो मामला चल रहा है वो तो चल रहा है और जिस तरह हमारे जहन में इस वक्त ये बात आई कि प्यार अब इसमें बल्कि आप मुझे बताइए क्योंकि बेशक आप ज्यादा तजुर्बेकार हैं

तो शिदत पसंदी की लहर है इसको अपने शायरी आपने अच्छी बात कही मार भाई ये शिद्दत पसंदी के हवाले से जो पिछले साल एक हमने मसायल देखे परेशानियाँ देखी और जो कुछ देखा इस पर हम मुफ्ती साहब से भी इनकी राय लेंगे और मुफ्ती साहब से ज़रूर इस पर बात करेंगे देखिए दोस्तों होता क्या है माहौल और हालात किसी के नहीं हुए यानी कि वक्त किसी का नहीं हुआ वक्त बदलता रहता है जैसे जैसे हालात बदलते हैं वक्त बदलते हैं लेकिन उसूल कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ता है ना किसी ना किसी उसूल पे हमें खड़ा होकर हमें चलना पड़ता है हमें तय करना पड़ता है कि हमें किस तरफ़ जाना है हमने भी कोशिश यही की कि हम इसको थोड़ा सा उजागर करें अगर हमार भाई अदबी वालों से बात कर रहे हैं को शायरी की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब उमूी रवैये पे बात कर रहे हैं उमूमी मसबत पहलुओं को उजागर कर रहे हैं तो ये हमारी कोशिश यही है कि 2021 का साल जिस तरह गुजर रहा है खामोशी से हर साल गुजर जाता है किसी के लिए बहुत हंगामा खेज़ होता है किसी के लिए बहुत खामोश होता है इसी तरह हम भी इस पर गुफ्तु जारी रखेंगे और हमें जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे एक और मेहमान भी होंगे उनके साथ भी हम गुफ्तु करेंगे मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद हैं और ब्रेक के बाद इन शस्मान जामै साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि दो का ये साल कैसा गुज़रा क्या पाया और क्या खोया आप भी हमें कॉल कर सकते हैं आप भी अपनी राय दे सकते हैं आप भी अपनी बात कर सकते हैं हमारी कॉल लाइंस खुली होंगी ज़रूर बात कीजिएगा छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद आपसे फिर बात होगी असलकम वाला वबरकू बहुत बहुत शुक्रिया नाज्रीन वक्े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए हम गुफ्तू कर रहे हैं क्या खोया क्या पाया साल दो हज़ार इक्स में हमारे साथ मेहमान मौजूद थे मौजूद हैं मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब औरबाल साहब लेकिन हमारे एक और बहुत अच्छे मेहमान सहाफ़ी हैं बड़ी अच्छी उनकी किताब आई सर सैद सैतलज और सेक्टर इंचार्ज बहुत मशहूर हुई वो किताब इसके अलावा मैं जो इनका मैं बस एक दीवार शेरी मजमु भी आ चुका है कहे बग़ैर फ़िकाहिया मजामी भी इनके आ चुके हैं बहुत अच्छे राइटर हैं बहुत बर्जस्त कहते हैं शेर व शायरी से भी ताल्लुक़ रहा और अभी भी है लेकिन ज़्यादातर जो इनकी चीज़ें मशहूर हुई हैं वो सहाफ़ियाना हवालों से मशहूर हुई हैं मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान जामा साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब उस्मान भाई कैसे हैं आप ठीक है ख़ैरियत से है तो आपके साथ देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई हम गुफ्तगू कर रहे हैं साल दो हज़ार इक्कीस में हमने क्या खोया और क्या पाया फियों के हवाले से बात करते हुए ज़रा हमारी ज़बान थोड़ी सी रुक जाती है क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग भी इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं हम लोग भी यही कर रहे होते हैं लेकिन हमने देखा कि बहुत से सहफ़ी तो आताब में आए लेकिन मोस्टली जो जो सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं याट्रानिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके हालात ठीक ही रहे हफ्ते में एक प्रोग्राम दो प्रोग्राम शाम को सात से आठ बैठ जाते हैं आठ से नौ बैठ जाते हैं कुछ लोगों को लड़ाया कुछ को हँसाया कुछ को रुलाया और अपना काम हो गया ये एक तासर है अमूमी तो 2021 में क्या ऐसे ही हुआ लगभग ऐसे ऐसे ही हुआ और अताब कुछ कुछ कम नज़र आया हमें यानी कम अज़ कम हुकूमत तरकीब के हवाले से जो है लोगों ने मुजाहरा किया और जहाँ तक मजीद इससे आगे कदम बढ़ने का ताल्लुक है वो तो मुमकिन नहीं होता और वो सब मसाइल होते रहे जो पिछले, पिछले सालों में होते रहे हाँ। कहा कि ये सिलसिला जो लड़ाने का है बढ़ाने का है ये जो एक सहाफत को एक नया ट्रेंड दे दिया गया अब क्या दिया गया ज्यादा हो चुका हाँ। ये तो जारी रहा और आ, अच्छा मैंने देखा कि लोगों को सहाफियों की आवाज उमूमन वैसे सुनाई नहीं देती लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो बहुत एक्टिव हुई अभी कराची के मसाइल पर अगर हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम भी किया हमने देखा कि नस्ला टावर एक इशू बना और बहुत तेज़ी से फैला लोगों तक पहुंची उसकी बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग बात लेकिन बहुत से साफी आप भी और बहुत से लोग उस पर सामने आए तो आवाज़ तो पहुँचाने का सिलसिला सहाफ़ियों का आज भी जारी है और वो बहुत मस्तहकम भी रहा दो में लेकिन वो बतौर साफ़ ही नहीं होता वो फिर सोशल मीडिया के जरिए होता है वो, तो वो सोशल मीडिया के जरिए तो कोई शख्स भी आवाज़ उठा उठा सकता है और लोग उठाते हैं वो जो मीडिया के होना चाहिए बहुत से इशूज़ जो हम जो हम मीडिया के जरिए सामने लाना चाहिए हमें वो हम नहीं ला पाते उसमें तो नहीं कि महजदारों का, का मसला है या हुकूमत का मसला है मीडिया के अपने ही बहुत से मसाले अपनी बहुत से मफादात हैं जो आड़े आते हैं तो सोशल मीडिया तो सहारा बनता है और एक नेमत है इस दौर में कि हम उसके जरिए आवाज़ भी उठा उठा सकते हैं और बहुत से मसाइल पे आवाज़ गूंजती भी है कुछ मसाइल हल भी होते हैं जो इश्यूज हैं उनको पे भी दी जाती है तो सोशल अच्छा, मीडिया आप, एक... आपकी अगर हम झाती बात करें तो आपकी किताब इस साल आई और बहुत हिट हुई बहुत लोगों तक पहुँची सर सैद सैतालीस और सेक्टर इंचार्ज क्या ये खास तनाजुर में या खास हालात में लिखी हुई किताब थी और खास लोगों तक ही मकबूल हुई या ये... आपने देखा कि ये हर तरफ गई नहीं हर तरफ गई है पूरे पाकिस्तान में गई क्योंकि तारे हम हम एक दूसरे से मुत्ल है जो कुछ कराची में होता है उसका असर पूरे पाकिस्तान पे पड़ता है और फिर ये कर, जो कर, कराची में जो गुजर चालीस साल के दौरान जो कुछ हुआ और जो होता रहा वो उससे सब कुछ ही दिलचस्पी थी सब ने अपने अपने मानी भी दिए अपने उसके अपने अपनी राय रखते हैं तो इन पूरे चालीस साल को जो मैंने कवर किया छियासी से लेकर समझे दो हज़ार सत्रह तक जो जो वाक़ थे जी। फिर ये इतनी नहीं बल्कि उर्दू बोलने वालों का जो मजमू अलमिया है और तारीख में जो उनका किरदार रहा है और जो माजी में उनके साथ चीज़ें होती रही हैं वो सब भी उसमें मैंने कवर किए तो ये एक मजमूरी तौर तो पर जिसे आप उर्दू बोलने वाले कहते हैं या महाजिर कहते हैं ये उनका पूरी एक उनके अलमिया की एक दास्तान बन गए के तौर पर ये किताब सामने आई है ठीक अच्छा आ, मुफ्ती साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं आपसे भी गुफ्तु जारी थी हम बातचीत कर रहे थे आ, अभी बात की हमाराल साहब ने शदत पसंदी के हवाले से ज़ाहिर है जिस तरह के मीडिया सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो रही है जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं इस क़दर वाहियात वीडियोस आती हैं सामने दिल कुड़ता है बहुत सी चीज़ें देख के दिल परेशान होता है शदत पसंदी तो बढ़ रही है लेकिन इसका क्या हम हल बता सकते हैं कैसे हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा रोक सकें आपसे पूछना चाहूँगा मैं जी असल में सोहेल भाई एक पहलू तो ये है कि शिद्दत पसंदी जो है वो बढ़ रही है हुँ. और वो इस वजह से है कि हमारा मीडिया जो है वो नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट करता है अपनी टीआरपी के लिए ना दूसरी तरफ, तरफ ये है कि जो लोग अपने पुराने नैरेटिव की वजह से यानी वो जो उनका नैरेटिव है कि सिर्फ मुसलमानों को ही दुनिया में हुकूमत कहा हासिल है और बाकी जितनी मज़ाहब और अखवाम हैं वो मुसलमानों के मातहत रहेंगी तो आ, वो इस खुद नज़रिए से जो है ना वो घुटन का शिकार जो है वो होने लगे हैं बिल्कुल क्योंकि उनको अभी उन्होंने अपना तजुर्बा ये किया कि जी जहाँ चर्चेज बंद हुए और गुरुद्वारे बंद हुए मंदिर बंद हुए सैनी बंद हुए वहाँ जो है वो खान कबा और मसाजिद भी बंद हुई बिल्कुल तो लोगों को ये मजहबी तबके को खजू तौर पर यह रेलइज़ हुआ कि जो दुनियावी मसाइल हैं वो सिर्फ हम दुआ से हल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खुद खाना काबा जो है वो बंद हो गया था हमारा हज जो है वो पिछले साल जो है वो चंद लोगों के दरम्यान हुआ है और उमरा जो है वो बिल्कुल रुक गया था वहाँ खाना काबा पे जो है वो नमाजें रुक गई तवाफ जो चौबीस चौबीस घंटे रहता था वो रुक गया तो ये खुद एक मजहबी तबके को रियलाइज हुआ कि हमें दुनियावी मसाइल का जो हल है वो दुनिया के तरीके से ही निकालना होगा जैसे किसी की एक सेंग है ना एक कहावत है कि जब तुम काम करो तो काम इतना प्रॉपर हो कि तुम्हें दुआ की जरूरत ना रहे जब दुआ करो तो वो दुआ ऐसी हो तुम्हें काम की जरूरत ना रहे क्या बात तो ये जो तो एक मजहब का एक रवैया था ना कि जी थोड़ा सा काम करके बाकी अल्लाह पे छोड़ देना कि जी अल्लाह करेगा तो अब देखें इस वैक्सीन का जो हल है वो जो है वो फाइजर और इन दीगर कंपनियों ने जो गैर मुस्लिम कंपनीज है उन्होंने जो है वो निकाला है और वो वैक्सीन होने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो उनमें कम जो है अमवात हो रही है जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो भी मजबूर हो गए लगवाने पे और पहले तो उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि ये कोई बीमारी है वो इसको यहूदी साजिश 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 समझ थे। समझ रहे रहे थे थे या जैसे कि हमारी हर चीज जाता है तो ये एक उनके जो नजरियात थे जो सदियों से बैठे हुए थे वो तब्दील हुए और उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अगर हमें इस दुनिया के अंदर रहना है तो दुनिया के जो अस्बाब हैं

दुनिया भर में मेरा ख्याल है आप गए अमर भी गए और मुख्तलिफ में गए वहाँ आपने क्या बुनियादी तब्दीली देखी साल दो हजार इक्कीस में एक तो सबसे ज्यादा जो हैरान है बल्कि बहुत पुरमोसरत बात यही थी कि हम जहाँ भी गए हमारी तो ज्यादा दीगर शहरा भी मैं भी तो से ज्यादा ये है कि आम लोग आम लोग हमें मिले न जाने ये हो सकता है खासकर दुबई में पिछली बार अच्छा, शायरी की तरफ आए लोग अदब की तरफ आए मतलब ये बड़ी अच्छी बात है पॉजिटिव बात है बिल्कुल जो है वो तारिक फैजी साहब के पास जाना हुआ और खासकर इस बार जो मशायरा देखा हमने तो इवन एयरपोर्ट के अमले से लेकर तमाम शॉपिंग सेंटर्स तक और सड़कों तक भी लोग जो है वो चेहरों से पहचान रहे थे क्या बात है शायरों को ये बड़ा अच्छा लगा उसके बाद जब ये के मशायरा हुआ तकरीबन तो कोई 1600-1700 सत्रह समाते वहां पर ऐसा लगा कि बाकायदा ट्रेन समाते हैं कि जहां पर खामोशी होनी चाहिए थी वहां पर खामोशी हमें मिली और जहाँ पर दाद मिलनी चाहिए थी वहां पर हमें दाद मिली तो वो यही हुआ कि पिछले दो साल में मासिस हमारे पास आए और फिर उनमें से लोग छटते गए छटते गए तो फिर हमारे पास शायद इस वजह से हमारे पास क्वालिटी बनी लेकिन इन सब में खासकर पिछली भी जो बात है तवज्जो दिलाओ जो नोटिस है ना वो ये है कि अदबी फेस्टिवल्स वगैरह में भी हमारी जो जनरेशन है वो कुछ ज्यादा फायदे में रह गई और फिर बहुत सीनियर लोग हैं वो भी हमारे स्टेट की जीनत है वो भी है बीच हाँ। में जो हजरात हैं जो हमसे बड़े लोग हैं हाँ। इसकी वजह से वो एकदम समझें कि बीच में के रह गए सही इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में नुमाइंदगी होनी चाहिए वाह अच्छी बात की आपने बहुत अच्छी बात की अबार भाई आपकी तरफ आएंगे आप आपसे कलाम भी सुनेंगे मैं चलता हूँ हमारे दोस्त उस्मान स्मान साहब की तरफ उस्मान भाई आप हैं आप ज़ाहिर माशरे के जो नबाज़ हैं आप इस तरह के आपने देखा क्या हो रहा है उस पर लिखा आपने कॉलम भी लिखे आपने शायरी भी की आप मुख्तलिफ़ हालों से लिखते रहे पर आप मुल्क की जो हालात हैं इसको आप बगैर सियासी तौर पे क्या कहना चाहेंगे कैसे कैसे गए 2021 में आ, मायूसी बड़ी है और आ, खास जिन लोगों उम्मीद थी जिनकी उम्मीद बंदी थी उनकी उम्मीद या टूटी है या बहुत कम हुई है नहीं कुछ जल्दी नहीं है उम्मीद तोड़ना बांधना जल्दी नहीं हो जाता टाइम तो देना पड़ेगा ना आ, नहीं टाइम तो खासा हो गया ना इसीलिए क्योंकि ये साल समझे लगभग चौथा साल है तो जाहिर इस इस एतवार से उम्मीद भी टूटी है और मायूसी भी बड़ी है फिर और मजमूरी तौर पर भी मतलब ये नहीं कि क्योंकि मुतबाद कोई मुतबाद नजर नहीं आता हम समाजी तौर पर देखें तो हमारे सामने स्या, 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 के सामने जैसे वाकत सामने आते हैं हम अगर इलमी तौर पर देखें तो वो सब वो सब सूरत सामने है तो, तो पर हर एतबार से जो है वो मायूसी बड़ी है जी अच्छी बात की तो बात बहुत बहुत अच्छी बात की आपसे भी उस्मान भाई कुछ कलाम हम आपसे भी सुनेंगे मैं मुफ्ती साहब से भी एक सवाल पूछता हूँ और आप सब से ये सवाल तकरीबन होगा वो सब उमूमन जैसे कि हम गुफ्तु कर रहे थे कि माशरे की जो हालात हैं वो तेजी से तब्दील हुए इस कोविड ने हमें मसबत रवैयों की तरफ भी लेकर गए लेकिन मनफी पहलू बहुत से आए बहुत सी मसाइल परेशानी आई लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि पाकिस्तान के हवाले से गैर मुल्कीों का आना जाना बहुत बड़ा और बहुत से ब्लॉगर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं बहुत से लोग पाकिस्तान की बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं ये कि चंद एक बुराइयाँ भी ज़ाहिर मसाइल तो हुए लेकिन वो भी दिखा रहे हैं तो ये जो नए लोगों की आमद है जो हम ये सफारतकारी के सिलसिले के जरिए जो अपनी जो टूरिज़म है इसको बढ़ा सकते हैं और इस तरफ तोज्जो दे सकते हैं इस पर बड़ा काम हुआ दो हज़ार इक्कीस में कैसे क्या कहेंगे आप? आपने भी बड़े अच्छे इवेंट्स किए कुछ मैंने देखे आप भी मुख्तलिफ जगहों पर गए पाकिस्तान में भी आपने कुछ चीज़ें की जी ओवरऑल जो है वो पी टी आई गवर्नमेंट की वजह से भी टूरिज़म पर जो है वो काफ़ी जोर दिया गया और पाकिस्तान को जो है वो हाईलाइट किया गया और ये आया भी कि पाकिस्तान के कुछ शहर हैं कि जो दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में जिनका शुमार होता है जी। और वीजो के अंदर भी आसानी की गई इमरान खान गवर्नमेंट में तो ये बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ दूसरा ये है कि देखें ये दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना ये चाहे मनफी हो चाहे मुस्बत हो हम उसमें खुद अपनी मर्जी से टैग लगाते हैं हमारी जो फीलिंग होती है ना तो हम असल में खुद उसको टैग कर रहे होते हैं तो एवरी थिंग इज एक्सपीरियंस ना हर चीज एक एक्सपीरियंस होता है एक तजुर्बा होता है अगर आप देखें तो वो जो एक मनफी है वो किसी और के लिए हो सकता है मुस्बत हो आपके लिए जो मुस्बत है वो किसी और के लिए जो है वो मनफी हो तो हम बहुत जल्दी जो है चीज़ों पे टैगिंग कर देते हैं ये करना जो है वो सही नहीं है नहीं। हमें जो है वो अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए जरूरी है कि हर वाकये के अंदर मुस्बत पहलू जो है वो तलाश करें उस पर गौर वफिक्र करें जैसे एक बहुत मशहूर ओशो एक मेडिटेटर गुजरे उनका मकूला है कि जिस चीज पर आप ज़्यादा ना वो हकीकत बन जाती है आपके सामने तो अगर आप मन चीज़ों पे देंगे तो वो हकीकत बन जाएगी अगर आप मुस्बत चीज़ों पे देंगे तो वो हकीकत बन जाएगी सही तो ये इंसान के ऊपर अच्छा एक सवाल आपसे बिल्कुल क्योंकि वक्त की क्लत में पूछना चाहूँगा आप रिसर्च इसकाल आपने रिसर्च पे काम किया रिसर्च बहुत जरूरी चीज़ है हमारे यहाँ इसका फकदान है रिसर्च पर काम नहीं हो रहा हम तकलीफ के रवैयों की तरफ बढ़ते हैं हम रिसर्च पे काम नहीं करते इस बारे में आप क्या कहेंगे जी वो इसी वजह से कि मजहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि जी मजहब पर बात ना करो मजहब में अकल ना लड़ाओ तो ये पुरानी चीज़ें हैं अब जाहिर बात है ये सदियों से जो है वो रगों के अंदर पेवस्त हैं अब इनको उखाड़ने में जरा वक्त जो है वो तो लगेगा ओवरऑल सोसाइटी जो है वो नई बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि जब आप नई बात सुनते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है आप अनकंफर्टेबल होते हैं उसमें आप दिमाग के अंदर जो है वो चोले भी उठते हैं और बुलबुले भी उठते हैं आपके जिसम के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ये बात जो मैं नहीं सुन रहा हूँ मेरा ईमान जो है इससे जो है ना वो कोई जो है वो खराब हो जाए या मेरा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर ये सही बात है कि रिसर्च नहीं है बल्कि जो रिसर्च करता है उसको जो है वो निशान जो है वो बना दिया जाता है तो ये एक लेकिन लेकिन हो रहा है, हो है काम हो रहा है।, है।, है आपके ज़रिए से भी हो रहा है मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह लोग आ रहे हैं इस पर बात भी हो रही काम हो रहा है अच्छा हम उस्मान साहब की तरफ चलते हैं उस्मान साहब माशाल्लाह आपकी जो किताब आई और मुख्तलिफ चीज़ें हुई आपकी जो शेरी मजमु था आ, मैं बस एक दीवार इसमें से भी हम चाहेंगे अगर आप हमें कुछ अपना कलाम भी एक गज़ल ज़रूर सुनाएं और अगर कुछ और सुनाना चाहें तो फिर मैं चलूँगा इकबाल की तरफ उनसे भी कुछ कलाम जरूर सुनेंगे जी मैं उसकी बात की गजल सुना देता हूँ आपको जो जी जी बिल्कुल सुनाइए बिल्कुल सुनाइए साल हो गए इसमें आपको वतन का कुछ दर्द मिलेगा तो जी बिल्कुल वो तो हमारे दिलों में है जनाब बिल्कुल जी <laughs> क्या बताते कि क्या गम कराची के हैं वाह क्या बताते कि क्या गम कराची के हैं बस यही कह दिया हम कराची के हैं वाह 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 क्या बात है कह दिया हम कराची के हैं साथ है, के साथ अपनी अच्छी गुजर जाती है के साथ अपनी अच्छी गुजर जाती है हम में बसते जो मौसम कराची के हैं वाह बसते जो मौसम कराची के हैं गम उठाकर भी हंसने पे हैरा हो क्यों वाह उठाकर भी हंसने पे हैरा हो क्यों जानती तो हो जानम कराची के हैं वाह जानती तो, तो हो, जानम, जानम, जानम कराची के हैं वाह बेवफाई का खतरा नहीं आपको वाह। का खतरा नहीं आपको आपके यार हमदम कराची के हैं वाह वाह वाह। क्या एक आंसू छलके के जेबा नहीं एक आंसू न छलके के जेबा नहीं हम चश्मेपुरनम कराची के हैं क्या बात है न चश्मे पूर्नम कराची के हैं वाह है मोहब्बत हमारी समंदर सिफत वाह वाह है मोहब्बत हमारी सिफ समंदर सिफत हम ये हाथ खानम कराची के हैं उनकी जुल्फों में खोकर पता ये चला जुल्फों में खोकर पता ये चला उनकी जुल्फों के सब हम कराची के हैं वाह 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 हम कराची की आवाज उठाते हैं पर हम कराची की आवाज उठाते हैं पर हमसे लोग कुछ हमसे बरहम कराची, के, के हैं वाह 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 बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त माशाल्लाह क्या कहने क्या कहने बहुत आला चलते हैं अमार भाई की तरफ अमार भाई आपसे भी कुछ बिल्कुल हमारे पास दो तीन मिनट रह कुछ आपसे भी कलाम सुना जाए नजम पेश करूंगा मुफ्ती साहब की तवज्जो चाहूंगा कि कनेक्शन मेरा स्मूथ रहे कि अब रहा आ गया अबरहा आ गया फिर से इस शहर में अबरहा आ गया जाओ तुम जाके हाथी गिनो और तुम जाके कर चुनो और तुम भी सुनो हसबे तौफीक कानों में भूसा भरो और फिर सब के सब आसमानों पे नजरें जमाए रखो उस अबाबिल तकते रहो जो दोबारा मदद को नहीं आएगी हाँ 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 क्या खूबसूरत तबसर किया है भाई बहुत आला बहुत आला बिल्कुल हमारे पास दो तीन मिनट है मैं चाहूँगा कि हमारे तीनों मेहमान बिल्कुल आखिर में कमेंट्स करना चाहें मुफ्ती साहब आपकी तरफ चलूँगा क्या कहेंगे जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें मस्बत सोच को अपनाना चाहिए मोहब्बत की बात करनी चाहिए मोहब्बत की बात फैलानी चाहिए और अगर हम ये देखें कि हमारे अंदर किसी के बारे में नफ़रत या मनफी रवैया है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए वाह बहुत अच्छी बात की आपने जबरदस्त उस्मान जामय साहब आप क्या कहेंगे आप सहाफ़ी भी हैं जिम्मेदारियाँ सहाफ़ियों की ज़्यादा भी होती हैं और मसायलो परेशानियाँ भी होती हैं आप क्या कहेंगे अगले साल के हवाले से हम क्या करें क्या बेहतरी ला सकते हैं हम ज्यादा से ज़्यादा ये करें कि जो हम कम असम कम कर सकते हैं कि हम अपने तौर पर तो बेहतरी की कोशिश करें जो गलत हो रहा है उस पर कम असम आवाज़ उठाएं और जो सही हो रहा है उसकी सताइश करें और जो मजबूत फिक्र की बात की गई बिल्कुल मसबत फिक्र अपनाते हुए आगे चलें और ये कोशिश करें कि हम हमसे कम हम, अज कम हमारे मुल्क को हमारे माशरे को जितना फायदा पहुंच सकता है वो पहुंचे वाह और नुकसान कम कम से का पहुंचे। बहुत अच्छी बात कही बहुत शुक्रिया आपका मैं अमार भाई आखिर में आपने बहुत अच्छी नजम भी पेश की मैं चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे कि क्या हम दो हजार बाईस में बहुत तय होता है कि ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे आप क्या कोशिश है, है, करें अपने आप को ग्रूम करें उसके साथ साथ आप ये कोशिश करें कि मेरे फंड से जुड़ी हुई मेरी पहली जिम्मेदारी क्या है उसको तलाश कर उसको पहचानने की कोशिश करें वो जब आपके सामने आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन उसी सम में हो जाएगी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही मैं दिल की गहराइयों से आ, मुफ्ती फैसल जापान वाला साहब का शुक्रिया अदा करूँगा हमारे साथ मौजूद थे बहुत मस्बत और बहुत उन्होंने मशवरे दिए बहुत अच्छी बातें कहीं बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया इसके साथ हमारे साथ उस्मान जामै साहब मौजूद थे आप आपफ़ी भी हैं ब्लॉगर भी हैं आप मिज़ा निगार भी हैं आपकी कई किताबें भी आ चुकी हैं आपने बहुत अच्छी बात कही और ये हमेशा इसी चीज़ की तरफ़ रखना चाहिए हमें अपने रवैयों को कि हम अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं अपने माशरे के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं वो करें इसी तरह अमार इकबाल साहब ने बहुत खूबसूरत नज़म भी पेश की बहुत अच्छी गुफगू की बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं शायरी में तो ज़ाहिर है माशाल्लाह चमकते दमकते हैं हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि इन शगले साल भी आप तीनों और आप तीनों के जितने चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले हैं वो सब इसी तरह दमकते चमकते रहें वो इसी तरह सितारों की मानन जो है आसमान पे जगमगाते रहें मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा दोस्तों ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए खुदा करे कि नया साल सबको रास आए तो हमारी तो दुआ यही है कि अगला साल जो है वो तमाम लोगों के लिए जितने भी हमारे नाज्रीन हैं इस्लाम चैनल के देखने वाले हैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद हैं जो इस चैनल से भी मोहब्बत करते हैं जो अमन से महब्बत करते हैं जो मोहब्बत से महब्बत करते हैं वो सब इसी तरह जगमगाते रहें इसी तरह आगे बढ़ते रहें इसी तरह अपने अपने फ़िक्र और नज़रिए इसी तरह जो है वो उसको पज़ीराई करते रहें उसके लिए आगे बढ़ते रहें उसके लिए काम करते रहें और कभी भी दूसरे के नज़रिए को छोड़ छेड़े नहीं और अपने नज़रिए को छोड़े नहीं इस पर कायम रहें तो इन श्ला दुनिया ज़रूर कामयाब होगी हमें एक दूसरे के लिए जो अदम बर्दाश्त का जो हमने एक नया एक नई चीज़ आ गई है उसको ख़त्म करना होगा हमें एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का रवैया लाना होगा यही अगले साल का पैगाम है इन अगले साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपसे सा अगले साल मुलाकात होगी अल्लामक वरह लि वर्क